Silchar, we are coming! अगर मैं इधर सेटल हो गया मेरा तो लाइफ बर्बाद। चलो चीयर्स। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोआई। सो निकिता और हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं आप सभी को। एंड आज हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो है सिलचर। तो सिलचर जाने से पहले हम लोगों को बहुत गंदा वाला एक ब्रेकफास्ट मिला, जो खाने के बाद हम सभी का मूड खराब हो गया। तो हम लोगों को बाहर जाके ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा भाई, तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल रात को कुछ खाया नहीं। और ये सब लोग रात को क्या क्या किया पता नहीं भाई। 3 बजे खाना बनाया, देन उसके बाद खाया, आलू चोखा दाल चावल सब खाया। मैं तो भाई परे परे कहाँ चला गया मैं पता नहीं। एंड सिलचर से मुझे बहुत सारा मैसेज आ रहा है, बहुत सारा कि भाई सिलचर आ जाओ। तो सिलचर में हम आ रहे हैं। एंड स्पेशल बात यह है कि सिलचर में हम लोग का एक मीटअप क्या चल रहा है। मैगी के जूस के साथ पूरी, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में मिला पूरी के साथ। हम लोग ज्वार वाली पूरी के साथ छोला सब्जी खाता है, छोला वाला खाता है। ये लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में चिकन मिला है, ये लोग पूरा चिकन है, चिकन करी है। ये देखो चिकन पीस, देखो ये देखो चिकन पीस है ना, सुबह सुबह स्कैम। ये है चिकन करी और ये चिकन करी जिसके अंदर चिकन भी नहीं है, चिकन रस। इसका मतलब है चिकन रस। तो इसका मतलब है हम लोग का बचा हुआ कुत्तों को खाना दे दिया, बस हम लोग का बचा हुआ खाना कुत्ता लोग खा रहा है। Oh, भाई। That's it, guys. चलो गोपुर सेट में आप सभी से मिलते हैं। एंड बाकी तो ये थोड़ा हजम कर लेते हैं हम सब। सिलचर, we are coming! भाई रास्ता सही नहीं है, ये मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। अभी देखते हैं कितना खराब है, अभी अच्छा नहीं है, अभी कितना खराब है ये मुझे देखना है भाई। आज के दिन का पहला टोल जो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर सिराज भाई, निको भाई आई थिंक स्टोरी लगाएगा, तो इसको इधर ही पार्क कर देते हैं ऐसे। तो गाइस, होटल से निकलते ही हम एक ऐसी जगह पे आके रुके हैं, ये है टोल प्लाजा। एंड इधर के सामने आके रुके हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सिलचर। यस, सो ये है अपना रायनो, फ्लैश, ड्यूक, एक्सपल्स और सिराज दा का R3। ये इधर लाइन अप कर दिया है हमने, थोड़ा बहुत स्टोरी वोरी लगाएंगे एंड उसके बाद निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। हाँ, मैं जो देखा मतलब नोटिस किया कि लड़कियों का इधर ना सुपर बाइक और बाइक्स के ऊपर बहुत फैसिनेशन है, मतलब बहुत शौक रखते हैं ये लोग। रील्स वील्स शूट कर लिया सब। शूट करने के बाद अभी हम चल पड़े हैं सिलचर के लिए। और सिलचर का डिस्टेंस यहाँ से कितना दूर है पता है? 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर पहुँचते 4-5 घंटा लग जाएगा भाई, 5 घंटा आराम से 5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि हम लोगों को रील्स भी शूट करना है, हम लोगों को वीडियो भी करना है, हम लोगों को फोटो भी लेना है, खाना भी है, जो सब कुछ मिला के एक्चुअली लगता है 4 घंटा, लेकिन 1 घंटा तो ऐसे ही लग ही जाएगा कन्फर्म। तो गाइस, ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो गया था बर्बाद। तो अभी हम थोड़ा सा खाने के बाद एक ऐसा जगह मिल गया, यहाँ पर लैंडस्केप तो देखो एक बार। तो ऐसे जगह पे अभी हम लोग इधर थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब मैगी हो या फिर पराठा हो, कुछ भी हम खा लेंगे। और हमारा बाइक इधर पार्क है, और जिधर भी हम लोग जाते हैं उधर भी ये तो होगा ही। एंड यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक बार नोटिस करो। यहाँ पर ना कार वॉशिंग बोलो, बाकी सब कुछ बोलो, सब कुछ ना मतलब लड़की मतलब वुमेन्स जो है ना वो सब कुछ करता है, मतलब या बहुत बढ़िया है। इधर का सिस्टम पूरा चेंज है, इधर ना पूरा सिस्टम ही चेंज। क्या अगर मैं इधर सेटल हो गया मेरा तो लाइफ बर्बाद। इसमें मसाला कम रहता है, ड्राई है एकदम पूरा। तो हम लोग अपना लंच, हाँ अभी हम ये क्या कर रहे हैं, लंच ना, ये तो लंच है। क्या चावल दाल और चिकन मिल रहा है फिर भी बोल रहे लंच कर रहे हैं? नहीं मतलब हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, सुबह मूड खराब हो गया ना, दोनों कैमरा पकड़ के खराब हो गया ना सुबह मूड। चलो चीयर्स। निकल गए हैं बाबा रे, अभी भी 148 किलोमीटर बाकी है सिलचर।
रास्ता भी उतना सही नहीं है जैसे कि आप लोगों को बोला। फ्यूल डाल लूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सामने इंडियन ऑयल का मिलेगा कि नहीं, पता नहीं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का। ये आ गए अपना R3 सिराज भाई, वो जो लीन मारता है ना सिराज भाई, लेवल। ट्रकों का लाइन देखो गाइस, जैसा लग रहा है कि किसी बॉर्डर के सामने आ गया है। एंड क्या खेल खेल रहे हैं ना हम, और पहाड़ का जो पूरा मज़ा है ना, वो मज़ा मैं H2 के साथ ले रहा हूँ। थोड़ा सा रिक्स है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस एंड आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अगर रहता है तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा देख के संभाल के, मैं बोलूँगा नहीं कि आप लोग करो, लेकिन थोड़ा देख के संभाल के। सो गाइस, पूरा सांपों की तरह खेलने के बाद अभी हम आके रुके हैं कुछ ऐसे जगह पे। उधर है निको भाई, सिराज भाई, थोड़ा मैं इधर आके रुका क्योंकि ये वाला जो जगह है ना थोड़ा इस साइड, मतलब स्लोपिंग उस साइड है, तो स्टैंड करने में बाइक का आसान हुआ। और बाकी तो भाई राइड बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है राइड, राइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस साइड ये है देखो, पूरा पहाड़ पहाड़ है। एंड ये भाई लोग भी आ गया है सब, एंड अब मेरा राइनो भी आ गया। ये रास्ता अगर एकदम से स्मूथ होता ना भाई, कब का पहुंच जाता मैं। चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच बीच में ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो हो रहा है सोहेल को और श्री को। मतलब सोहेल फर्स्ट टाइम सुपर बाइक लेके ये सब जगह पे, और रास्ता भी ऐसे ही मिल रहा है, और वो भी पिलियन के साथ, मतलब पीछे श्री है तो उसको उतना आइडिया नहीं है, मतलब समझने में और एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे जाना पड़ेगा। जो लग रहा है ना कि H2 का माइलेज सडनली इंक्रीज हो गया, कैसे भाई, क्या हो गया तेरे को? ये कल तक बहुत फ्यूल खा रहा था ये, लेकिन आज सीनरी कुछ अलग है। क्या ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है भाई, H2 का ब्रेक बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक मैं सुना था कि BM का ब्रेक सबसे अच्छा है, हालांकि मेरे पास BM नहीं है, लेकिन मेरे पास जो दो बाइक है ना, मतलब टेनर और H2, इनमें से मुझे सबसे अच्छा लगा H2 का ब्रेकिंग। सॉलिड ब्रेकिंग है भाई, सॉलिड ब्रेकिंग। रास्ता भाई बहुत खराब है, सुपर बाइक के लिए एकदम ही नहीं है। एंड जिस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस एकदम कम है, उन बाइक के लिए बिल्कुल भी नहीं है रोड। हम लोग तो आ गए हैं ऐसे तैसे करके जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सुपर बाइक के लिए रोड ही नहीं है। तभी तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा जब रात हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा और ये सब रास्ता हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा। अरे बाबू भाई साहब, क्या रोड है भाई, ओ भाई। ओ भैंस की टांग, कैसे जाए भाई। ओ भाई साहब, मैं
प्रॉब्लम आ गया रे। आ गया तो आ गया तो आने से क्या होगा, अभी सेल्फ नहीं लेगा, देखो हमने क्लास पकड़ना पड़ेगा, बैटरी खोलना पड़ेगा। अचानक से ये तो स्टार्ट 46 आ रहा है एरर कोड, ये तो हाल ही में चेंज भी किया है, चेंज करो से नूतन के बाद। हम लोग मैकेनिक गिरी किए एंड अभी आई डोंट नो के बाइक ठीक ठाक तरीके से स्टार्ट होगा कि नहीं, किसके देगा एक बार देख ले, एक बार सेल्फ मार तो। एरर कोड आ ही रहा है, कैसे सेल्फ मारेगा तू, उधर में लिखा है आ रहा है 46, तो धक्का मारो रे, मारो धक्का। चलो भाई स्टार्ट तो हो गया, एक ऐसे पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं जिधर मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3 मैकेनिक मिल गए हम लोगों को। गाइस फाइनली हम लोगों को कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ा, राजा एक बार हाई कर दे। So, गाड़ी को हाँ, इसके सिवा हम लोग के पास और कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं था, तो फाइनली ये करना ही पड़ा। इसका जो रिले है, आई थिंक रिले गया है ना सिराज भाई, रिले गया है ना, रेगुलेटर बोल रहा है, पता नहीं क्या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग ज़्यादा छेड़खानी नहीं किए, तो हाँ सामान बाइक का पहुँच जाएगा कल सिलचर में। अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, तो राइड फाइनली राइड कंटिन्यू हो रहा है। कुछ देर पहले राइड कैंसिल करने का प्लान हो रहा था इधर, लेकिन अभी राइड ऑन है, अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल बाइक का सामान आ जाएगा, बाइक भी ठीक हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं सिलचर, बहुत लेट हो गए हैं, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सो गाइज और एक खुशखबरी है हमारे लिए, अच्छा ये देखो खोल लेता हूँ, ठीक है, जादू जादू हाँ, 1 2 3 चाबी ऑन कर लिया, मीटर गए, हॉर्न नहीं बज रहा है, इधर सेल्फ देखो, सेल्फ कुछ नहीं काम करता है ना, ये पानोती पार्ट टू हाँ, एक का ठीक हुआ, एक का तो भेज दिया, अभी दूसरे का क्या करेगा रे बाबूआ, सब्जी का काम है। 1 2 3 4 चार पाइप है, उनमें से 2 पाइप का हालत एकदम बेकार है भाई, कुछ नहीं उस पाइप में, मतलब पूरा ऊपर से 2-3 लेयर पड़ चुका है, एक बार दिखाता हूँ मैं, ये देखो लेयर पड़ चुका है, सॉरी नहीं आ रहा है, हाँ ओ एकदम ख़त्म सीन है। अभी कब हम लोग ये वाला रोड क्रॉस करेंगे उसके बाद हम लोग और शांति मिलेगा, फिलहाल इधर आए हैं डिनर करने के लिए, इधर डिनर करेंगे एंड उसके बाद सोच रहे हैं, डिनर नहीं ये लंच है, इधर आ जा, क्या बोला, ये डिनर नहीं ये लंच है, अच्छा अभी तो मैं और दूसरा कुछ सोच रहा हूँ, एक बार तुमको दिखा देता हूँ, अच्छा से दिखा दो, अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा पास से दिखाना पड़ेगा, ये ब्लैक जैकेट है गाइस, इसको चेक कीजिए, व्हाइट हो गया पूरा, जैकेट दिखाओ ना, देखो भैया, हाँ इसको ये देखो, पैंट सफेद, ये सफेद नाक बन चुका हूँ।